नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल जैक मा के संदेहजनक रूप से गायब होने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा करीब 2 महीनों से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखे गए हैं और उनके खुद के टीवी शो में जैक मा की जगह किसी और को भेज दिया गया है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना करने वाले अरबपति और अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा पिछले 2 महीनों से लापता हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विवाद के बाद जैक मा का इस तरह से गायब हो जाना कई तरह के गंभीर सवालों को खड़ा करता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर महीने में चीनी अरबपति जैक मा ने सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। उसके बाद से ही वो चीनी सरकार के निशाने पर आ गए थे और उनकी कंपनियों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही थी। दोस्तों, डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा ने पिछले साल संघाई में आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार की आलोचना की थी और उन्होंने चीनी सरकार के ब्याजखोर वित्तीय नियमों और सरकारी बैंकों पर निशाना साधा था। दोस्तों, जैक मा ने सरकार से ये मांग करते हुए कहा था कि सिस्टम में बैठे ऐसे लोगों में बदलाव किया जाना चाहिए जो व्यवसाय में नई चीज़ों को शुरू करने के प्रयास को दबाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्ग लोगों का क्लब भी करार दिया था, जिसके बाद से वे चीनी सरकार के निशाने पर आ गए थे। वहीं दोस्तों, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तक की मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जैक मा का यही भाषण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं आया और इसी के बाद से उनकी कंपनियों को निशाना बनाया जाने लगा। दोस्तों, चीन की सरकार की तरफ से कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं और पिछले साल नवंबर में जैक मा को जोरदार धक्का देते हुए उनके एंड ग्रुप के 37 अरब डॉलर के IPO को निलंबित भी कर दिया गया था। वहीं दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एंड ग्रुप के IPO को निलंबित करने का आदेश सीधा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था। दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से जैक मा को ये कहा गया था कि वे चीन से बाहर तब तक नहीं जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरी तरह से पूरा नहीं कर लिया जाता है। और इसके बाद से ही जैक मा अपने TV शो अफ्रीका बिजनेस हीरो के नवंबर में हुए फाइनल से भी ठीक पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। दोस्तों, इतना ही नहीं, शो से उनकी तस्वीरों को भी हटा दिया गया है और अलीबाबा के समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि जैक मा शेड्यूल संबंधी विवाद के चलते जजों के पैनल का हिस्सा नहीं है। लेकिन दोस्तों, फाइनल से कई सप्ताह पहले ही जैक मा ने ट्वीट करके ये कह दिया था कि वे सभी प्रतिभागियों से मुलाकात करने के लिए बेताब हैं। दोस्तों, इस वीडियो के मध्य में ही हम आपको बता दें कि अभी तक आपको जो भी जानकारी हमारे इस चैनल पर दी गई है वो किसी न किसी न्यूज़ आर्टिकल से ली गई है। अतः दोस्तों, अभी ये साफ नहीं है कि जैक मा एग्जैक्टली कहाँ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से जो भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं उस पर कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं कि जैक मा एक्चुअली में इस समय कहाँ पर है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो जैक मा के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस समय कोई भी एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है, जबकि पहले वे लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते रहते थे। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि चीन में ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इस तरह से गायब किया गया है। दोस्तों, इससे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले बिजनेसमैन रेन जियांग लापता हो गए थे और उन्होंने कोरोना महामारी के मुद्दे पर शी जिनपिंग को मस्खारा बता दिया था और बाद में उन्हें 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, चीन की एक अन्य अरबपति शियान शियानुआ सन 2017 से ही नज़रबंद है। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि फोर्ब की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2017 के बीच चीन के कई अरबपति गायब हो गए थे। दोस्तों, फोर्ब की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कई लोग दोबारा सामने नहीं आए और संदेह जताया गया कि इन सभी अरबपतियों के गायब होने के पीछे इनकी पत्नियों, प्रेमियों और व्यापार प्रतिस्पर्धाओं का हाथ था। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।